चिकन पक रहा है यहाँ पे और ये दोनों लोग बॉनफायर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ये, और ये आइडिया नंद किशोर का था। खुद को देख के मेरे को ऐसे फॉर्मल सी फीलिंग आ रही है आज। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और हम तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, जितेंद्र भी तैयार है। अभी ऐसे कि निकलते हैं, कहाँ के लिए निकल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको रास्ते में बताती रहूँगी। अभी बस ऐसे है कि ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि पूरा पूरा टाइम वैसे हो गया है, तो निकलते हैं अभी। और बाहर तो अभी ना अंधेरा है और ऊपर से ना यार ये स्वेटर पहन लिया और इसमें मेरे को इतनी गर्मी लग रही है क्योंकि अंदर तो अभी इतनी ठंड है नहीं है, अभी बाहर निकलेंगे तो लगेगा। बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार मैं कहीं इसमें ऐसे घुटूँ ना, क्योंकि गाड़ी में बैठ के भी हमें ठंड नहीं लगने वाली है, तो देखते हैं यार। और दूसरी चीज़ ये कि तबीयत अभी थोड़ी बेटर है। जितेंद्र ने मेरे को रात को काढ़ा पिलाया था, उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा और मैं बचपन से ना बस काढ़े से ठीक हो जाती हूँ। सो अभी ऐसे है कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, बट ऐसे 50% ठीक हुआ, 50% अभी है। मेडिसिन साथ में लेके जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। कहाँ गया ये? तंग कर रहा है ये, बहुत तेज का काटता है। मैं बीच से काट दूँगा। मैं सोच रही थी यहाँ से ना निकल जाए। इसको थोड़ा ना आग से हटा लो, ये और सड़ता जा रहा है। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ ब्रेड सेक लो। वही मैंने इसको उल्टा करना है। ओहो सर, आपने ना बहुत तेल डाला इसमें, इसमें उल्टा बटर डालना चाहिए था। ये पता नहीं हमने ब्रेड ऑमलेट के नाम पे क्या बनाया। ये फाइनली अब और थोड़ा ये सेकंड वर्जन हो गया रोल आउट हमारा। ये जितेंद्र और नंद किशोर दोनों पी रहे हैं कॉफी। आपको तो अब जाके शांति आई होगी जितेंद्र। सही बात है यार। और ये है नंद किशोर। सही हाय। से हाय टू माय ऑडियंस। ये भी आज हमारे साथ जा रहे हैं। और ये मिस्टर राइट इतने चिड़े हुए थे अभी ब्रेड ऑमलेट बनते और अब जाके शांति आई कॉफी पी के, है ना? कॉफी पीने के बाद ना एक सुकून सा मिलता है ना। ये पीने के पता क्या है, एक तो ये कि अब हमने सब कुछ कर लिया, अब ये लास्ट है, तो वो एक ना नहीं वो लास्ट वो है, लास्ट वो है। ये नीचे वाले मेन टेंशन ये होती है बर्तन धोने की। हम पी रहे हैं कॉफ़ी अभी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। हम पहुँचे हैं अभी कसौली और गाड़ी लगा के अभी हमने खाया ब्रेड ऑमलेट और साथ में बनाई है कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट हो रहा है एक टाइप का, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे और मैं आपको बता दूँ हम जा रहे हैं शोगी जा रहे हैं। ये शिमला से थोड़ा पहले पड़ता है, कुछ किलोमीटर पहले। बाकी वहाँ पे कैंपिंग का ऐसे है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैंपिंग का यार फुल कैंपिंग नहीं है, हाफ कैंपिंग करेंगे, मतलब खाना वाना खुद से बनाएंगे, बोन फायर वगैरह। देखते हैं बाकी क्या क्या होता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आगे पहुँचने में, एक आध घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये कॉफ़ी करते हैं एंजॉय और फिर निकलते हैं आगे के लिए। सो स्टे ट्यून गाइस। इस बार हमें जहाँ पे भी अच्छी सी जगह मिल रही है ना, हम वहीं रुक जा रहे हैं क्योंकि बड़ा मज़ा सा आ रहा है यार। बाहर इतनी ठंडी ठंडी सी हवा और साथ में इतनी चमकती हुई ऐसी चटक सी धूप, बाहर निकलते हैं थोड़ी धूप सेक लेते हैं। वो खड़ी करी हमने अपनी गाड़ी और अब मैंने तो शूज़ भी ऐसे वाले पहने, हील्स वाले। अरे यार यहाँ पे चढ़ा दिए इन्होंने, शिट। खुद ही आ जाएगी जब गिरूंगी मैं तो रास्ता, पर चलो चढ़ने के लिए स्टेयर्स तो बनी हुई है। और कितने ऊपर जाओगे, नीचे भी उतरना है, गाड़ी वो रहेगी। जितेंद्र की करामात है,
ये हमें इसने यहाँ तक चढ़ा दिया है। ओह सांस फूल गई यार। मेरी टांगे तो यार पहले से ही दर्द कर रही हैं। हाँ ये तो स्कूल है यहाँ पे, देखना कहाँ चढ़ के। ये जगह मिली हमें, जितेंद्र सेट कर रहे हैं अपना कैमरा और फिर जितेंद्र काटेंगे फ्रूट और मैंने ये फूल के साथ करवाई है फोटोग्राफी। इसका कलर बहुत सुंदर है। साढ़े बारह करी दी हमने जैसे तैसे कर, बट इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साढ़े तीन चार बज गए होने चाहिए जिस हिसाब से हम रुकते रुकाते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी जगह दिखी और हम फिर रुक गए। तो हम अपने डेस्टिनेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर है और जहाँ भी जगह मिल जा रही है वहीं रुक जाते हैं, पर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो इतनी शांति है, इतना सुकून है ना, यहाँ तो गाड़ियों की भी आवाज़ नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ रेयरली आ रही हैं यहाँ पे। और जितेंद्र और नंदकिशोर गए हैं आगे, उनको आगे भी जगह दिखी है यार। ओह ये तो आगे तक बना हुआ है। देखो हमारा स्वागत करने कौन आया है, वो आ रही है पूरा। आओ क्या हुआ, अरे वाह, अरे ये मैंने पहली बिल्ली देखी है जो हमें लेके जा रही और भाग नहीं रही हमसे। ये पालतू आई थिंक है ना। तो यार बड़ी अच्छी सी ऐसे सुकून वाली सी जगह है, हम पहुंचे हैं यहाँ पे। और अभी दोपहर का टाइम हो गया, भूख लग रही है बहुत तेज की, तो सोच रहे थे मैगी बनाते हैं। तो हमारी गाड़ी लगी है वहाँ पे पीछे, वहीं पे बनाएंगे और खाते हैं मैगी और पिएंगे साथ में चाय। बहुत भूख लग रही है, धूप गर्मी बड़ी लग रही है अब है ना। गर्मी लग रही है थोड़ी देर की बात है, फिर तो ठंड बहुत लगेगी। रात को तो बहुत ठंडा हो जाता है। हम बना रहे हैं आज सूप वाली मैगी, इसमें डालेंगे हम हॉट एंड सॉस सूप और साथ में मैगी। ऐसे होता ना यहाँ पे सर्दियों में धूप सेकते रहो सेकते रहो, फिर बड़ा मजा आता है। फिर जब धीरे धीरे जाने लगती है फिर लगता है अब ठंड लगेगी। जितनी धूप सेको उतनी ठंड लगती है बाद में, रात को तो ठंडा हो जाता बहुत। अभी हम अंकल 15-20 दिन पहले ना लद्दाख जाके आए हैं। वाह तो मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बड़ी तेज़ की नींद आई, सोई तो क्या 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद मेरे को पता चला कि बाहर चाय बन रही है। मैं ना गाड़ी में ही सोई क्योंकि मेरा ऊपर जाने का मन नहीं था, टांगों में इतनी दर्द थी। बड़ा मज़ा सा आया 5-10 मिनट ही, और उसके बाद पी है चाय। अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने और थोड़ा सा घूमते हैं, दिखाती हूँ आपको साथ साथ में। ये शोगी ही पड़ता है ना, और ये घर है यार इतना ब्यूटीफुल सा है ना, इतनी मस्त सी जगह। और सबसे मतलब मस्त वाली चीज़ ये कि सूरज यहाँ ये छिप रहा है, ये दिख नहीं रहा है इसमें, ये सूरज यहाँ छिप रहा है ना, तो यहाँ से निकलता होगा और पूरा टाइम धूप है इस जगह पे। और बहुत ही सुंदर यार, आपने पहले, मैं तो सच में सोच रही हूँ कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताई और आपके माइंड में क्यों नहीं आई ये। बस फिर ऐसे ही है, बट जो भी है अच्छा है ये, अब हम यहाँ आते रहेंगे। अंकल भी खूब गप्पे मार रहे हैं। और रात को हम करेंगे यहाँ पे बॉनफायर ये सारा, और खाना भी यहीं पे बनाएंगे। तो अंकल हमें लेके जा रहे हैं ऊपर सनसेट दिखाने, ये मंदिर ऊपर सुंदर सा, और ये चढ़ के जाएंगे ऊपर। और मेरी टांगों की बैंड बजी हुई है, बट ये इतना सुंदर है ना, हाँ कि जाना तो है ही। आएगा ना
ओ माय गॉड, और स्ट्रेट होती जा रही है ये। हाँ सुंदर तो बहुत है, पर बस हो गई। वहाँ नीचे से आते आते सांस फूल गई। ए हाथी मेरे साथी, रुक जा, अब चढ़ा के तो ले आया था, है उतार के कौन लेके जाएगा? गाड़ी अपनी वो लगी नीचे। ये है किचन हमें मिली है, और ये पहले तो यहाँ से मस्त सब व्यू देखो साथ में, और साथ में हम बना रहे हैं खाना, खाने की तैयारी कर रहे हैं। खाना हम बनाएंगे बाहर बोन फायर साथ में करके, और साथ साथ में आग सेकेंगे बहुत सारी, पहले धूप सेके दिन में और रात को आग सेकेंगे। और रूम में ना हम बस एक बारी गए सामान रखने के लिए, उसके बाद हम एक बारी नहीं गए वहां पे, बस अब रात को जाएंगे देखेंगे। और जितेंद्र कर रहे हैं पानी गर्म पीने के लिए, और डिनर की जिम्मेवारी है मेन नंद किशोर सर की। और यहाँ पे किचन में ना सब कुछ है, फ्रिज है, ओवन है, और आरओ भी है अपने पास, गैस तो है ही है, और सारे मसाले हैं। ये टमाटर और प्याज भी है यहाँ पे, अंकल ने बोला है आपको जो यूज करना है करो, तो हम लेंगे साथ में प्याज और मिर्ची, ये सब चॉपिंग करेंगे जितेंद्र। मिर्ची वैसे वहाँ पे फ्रेश लगी हुई है बाहर, अंकल ने बोला वहाँ से तोड़ने में, वो भी तोड़ लेना, बट हम यही यूज कर लेंगे। दो तीन, तीन मिर्ची काफी है, ये तेज होगी। जल्दी जल्दी जैकेट रख दो सारे, जबरदस्ती आग के साथ पहले भी जलाने के लिए। ये अपना एक चिकन पकड़ा है यहाँ पे, और ये दोनों लोग बॉन फायर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ये, और ये आइडिया नंद किशोर का था, और ये मेरा खाना पकड़ा है यहाँ पे। ये वैसे मैं आधा पका के आई थी अंदर, और बाकी हमने यहाँ रख दिया कि धीरे धीरे पकता रहेगा। ये हमारा मेन कोर्स, अभी हमने पलटी मारा एक बारी फिर से, और बस इसको करते हैं अभी 5 मिनट में रिवील करेंगे, देखेंगे कि हमें खुद नहीं पता कि क्या बना है, सारी उम्मीद इस पे टिकी है, नहीं तो फिर वही मैगी खानी पड़ेगी रात को। ग्रेवी चावल भी खा सकते हैं। हाँ ये भी सही, ग्रेवी भी है, मैंने बैकअप रखा हुआ पहले से। अच्छा लो ये तो सोच रही है, इस चिकन से बहुत उम्मीद है हमें। आई खुशबू नहीं, ऐसे खोल लो। लेयर बाय लेयर ओपन कर, अरे वाह इसमें से तो तेल निकला हुआ है, बटर। वाह यार बहुत खुशबू आ रही है ना, खुशबू आ रही है ना। हाँ मेरे को तो ये नहीं समझ आया हम ट्रैवल ब्लॉगर से फूड ब्लॉगर कब बन गए। सर बस ज्यादा नहीं करते ना। या इट्स डन, इट्स परफेक्टली डन एक्चुअली, मजा आ गया भाई को। नाउ वी कैन एंजॉय इट विद राइस। सही बात।